हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम का टाइम है, मैं दिन भर आज काम की हूँ, सारे चीज़ों को अरेंज कर किया करते करते मेरा शाम के 6 बज गए। तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं रंगोली बनाऊँ, तो मेरा भाई यहाँ पे बच्चों को हेल्प कर रहा है और मैंने बोला जैसे मन करे वैसे बनाओ, चूँकि दीपावली में एक शगुन होता है रंगोली बनाना। तो मेरे पास जो है सेब जो रंगोली की बनी होती है वो मेरे पास थी, तो ये दोनों बच्चे जो है मैं कलर भी लेकर के आ गई थी जब दिवाली शॉपिंग के लिए गई थी, और बच्चे मेरे दोनों मिल करके ना जैसे भी हुआ बहुत अच्छे से बनाया। देखिए घर भी अच्छे से डेकोरेट हो गया है, गमले वगैरह साइड हो गए हैं, बहुत अच्छे से अभी अरेंज नहीं किया। यहाँ पर जो आप कपड़े देख रहे हैं ये सारा डोनेशन के लिए रखा हुआ है, कपड़े छाट करके मैंने रख दिए हैं और ये डोनेशन के लिए कल चली जाएगी, तो वही यहाँ पर जमा है। और यहाँ बच्चे रंगोली बना रहे हैं, तो देखिए इस तरीके से इन्होंने रंगोली बनाई है और भाई की मदद से बनाया है, चूँकि पहली बार मेरे मतलब पीछे में इन लोगों ने बनाया है। तो मैंने बोला कि जैसे मन वैसे बनाओ, बट आज बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरी कि मैं रंगोली बनाऊं, तो इसलिए मैं यहाँ रंगोली नहीं बना रही। तो देखिए बच्चों ने रंगोली बनाई है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़ी सी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। भाई भी हेल्प कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा निश्चिंत वाली फीलिंग आ रही है मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मुझे डिनर बनाना है, तो अभी मैं डिनर बनाऊँगी। डिनर में क्या बनाने वाली हूँ मेरे वीडियो में आगे बने रहें, आपको पता लग जाना है। और आज तो सारा दिन ही काम किया, आज हस्बैंड की भी छुट्टी थी, तो थोड़ा सा उनको भी साथ में ले लिया और आज पूरे घर को डेकोरेट कर दिया, और जो थोड़ी बहुत काम तो बची ही है वो आगे होगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7 और अभी पूजा वगैरह नहीं किया है मैंने, बस अभी सबसे पहले सोचा कि डिनर बना लेती हूँ। आज है दीपावली, तो हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। तो मेरा जो घर है मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है, डेकोरेट भी कर लिया है मैंने। मेरा जो था ना टारगेट ही था कि दीपावली के दिन मुझे अपने घर को पूरा सेटअप तैयार चाहिए, तो आज 4th डे है यहाँ पे और मेरा जो है ना पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैं एक झलक स्पेशली किचन का होम टूर कराऊँगी, लेकिन आप देख सकते हैं पूरा तरह से सब कुछ डन हो चुका है। और अभी बना रही हूँ मैं डिनर। डिनर में क्या बना रही हूँ आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे बना लिया है मैंने खीर बना लिया है। यहाँ पे बना रही हूँ मैं शाही पनीर, तो वही मैं मसाला तैयार कर रही हूँ यहाँ पे। और ये देखिए मैंने यहाँ पे पनीर रखा हुआ है और यहाँ पे आटा गून करके रखा हुआ है। पूड़ी बनानी है मुझे, और बस हल्का सा ठंड पड़ रहा है ना, इसलिए रायता नहीं बना रही हूँ, बस सैलेड वगैरह काट दूँगी। और ये देखिए मेरा जो है शाही पनीर ऑलमोस्ट बनकर रेडी होने वाला है। 5 से 7 मिनट और लगेंगे और ये ऑयल सेपरेट होने लगेगा, उसके बाद पनीर डाल दूँगी। और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही सिंपल वे में, तो उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। इसमें सारे मसाले ऐड किए हैं और काजू और आलमंड को अच्छे से हल्का सा फ्राई करके और उसे पेस्ट बना करके डाला है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा बनता है। इसमें मैं दही नहीं डालती हूँ, मलाई नहीं डालती हूँ, उसके बावजूद भी ये बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। तो फ्रेंड्स अपने अपने घरों में आप लोग भी बहुत अच्छे से दीपावली मना रहे होंगे, तो हैप्पी दीपावली। तो जल्दी से मैं अपना डिनर को तैयार कर लेती हूँ। और आज है मेरा छोटा भाई का बर्थडे, इसलिए आज मैंने बनाया है, और आज दीपावली भी है इसलिए खीर बनाया और पनीर बनाया है। तो चलिए जल्दी से मैं अपना डिनर को रेडी करती हूँ, उसके बाद तैयार हो जाऊँगी। पीयू तैयार हो चुकी है, बच्चे नीचे चले गए हैं पटाखा वगैरह लगाने के लिए, और गली है ना सामने मोहल्ला है, तो उसमें बच्चे जो है पटाखा लगा रहे हैं और जला रहे हैं, और हम लोग जो है
मैं जो है आप तैयार, पहले डिनर तैयार कर लूँगी, पूरी बाद में तलूँगी खाते समय, और जल्दी से तैयार हो जाऊँगी और उसके बाद फिर देखती हूँ सूट या साड़ी जो भी होगा सहूलियत के अकॉर्डिंग पहनूंगी, क्योंकि बिल्कुल थक चुकी हूँ। 4 डे आज जो है सारा दिन काम किया, आज हस्बैंड की भी छुट्टी थी तो आज ऑलमोस्ट हमने सारे दिन ही काम किए हैं, तो इसके वजह से थोड़ी सी ज़्यादा थकावट हो गई है। लेकिन देखती हूँ साड़ी या सूट जो भी पहनूंगी, उसके बाद पूजा करूंगी। पूजा करने के बाद फिर डिनर करूंगी। आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ ना, पता नहीं क्या से क्या मुँह से निकलता जा रहा है। कोई नहीं, चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। पहले बना लेती हूँ डिनर को, मैं लंच बार बार बोल देती हूँ। लास्ट में ही बता चुकी हूँ, पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई ना, उसके चलते बिल्कुल भी मतलब एनर्जी नहीं बची थी। फिर भी हमने हल्की सी पूजा की है, मिठाई वगैरह चढ़ा के दिया वगैरह अच्छे से जला दिया है, और यहाँ पे इन्वर्टर के कनेक्शन नहीं है, लाइट चली गई है, उसके वजह से हल्का सा अंधेरा है, लेकिन दिया की रोशनी की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि बस हल्का सा यहाँ पे शुभ दीपावली वगैरह लेकर के आई थी कल, छोटी दीपावली पे शॉपिंग किया था दिवाली के लिए, वो सारी चीज़ों को यहाँ अच्छे तरीके से रख दिया है। अभी बहुत अच्छे से डेकोरेट करना, लाइट वगैरह लगाना बाकी है, वो भाई लगाएगा थोड़ी देर में, तो मैंने सोचा कि जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है नीचे आपने देखा कि पटाखा फोड़ रहे थे, पहले ही बताई हूँ, तो अभी इन लोगों को बुला करके पूजा करवाई हूँ। अब पूजा करने के बाद हम भी जाएंगे नीचे, थोड़ा सा शगुन होता है तो थोड़ा सा ज़रूर पटाखे जलाने चाहिए, तो वही मैं जाऊँगी। तो यही थोड़ा सा फोटो शूट किया था, वीडियो नहीं बनाया था फटाक से पूजा करने के बाद। देखिए यहाँ हम लोग नीचे आ चुके हैं, तो अभी घर भी दिखाऊँगी, बहुत अच्छा लग रहा है। गली में सभी पटाखे वगैरह चला रहे थे, हम लोग भी खूब इंजॉय किया, अच्छा लगा। चूँकि पंजाब में ऐसे भी, दिल्ली पंजाब हरियाणा, ये दीपावली तो हर पूरा इंडिया में ही मनाया जाता है, लेकिन फिर भी इधर जो है ना बहुत अच्छे से मनाते हैं लोग, एक दूसरे से मिलते हैं, गिफ्ट मतलब एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, मतलब बहुत अच्छा पटाखा वगैरह बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ गोल्डन टेम्पल भी दुल्हन की तरह सजाया जाता है, लेकिन गोल्डन टेम्पल नहीं जाते हैं, घर में ही पूजा वगैरह में बिजी हो जाते हैं। और आज भाई का बर्थडे भी था, तो हमने अच्छे से अच्छा सा डिनर बनाया है, लंच भी बनाया था, वो लेट हो चुका था, चूँकि आपने आज जो था मेरा फाइनल मतलब घर शिफ्टिंग वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे साथ में मेरे हाउस ऑनर खड़ी है देखिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। 4th डे है और हमारा घर भी अच्छे से डेकोरेट हो गया, तो मैं यहाँ साड़ी नहीं पहनी हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हस्बैंड बोल रहे थे जल्दी करो, तो इस चक्कर में मैं यहाँ पे सरारा सूट पहनी हूँ, न्यू खरीदा था मैंने, तो उसी को सूट को पहन लिया है, जल्दी से पूजा भी कर लिया, तो यही नीचे आ गई हूँ मैं, और यहाँ उन्हीं से बातें कर रही हूँ। और यहाँ पे बच्चे जो हैं, बच्चे भाई सब और हस्बैंड सब मिल करके पटाखे चला रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा फुलझड़ी वगैरह देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। आपने कैसे मनाया मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, आई होप आप सब भी बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी आ करके, कि एक चैलेंज ऐसा लग रहा था कि पता नहीं शिफ्ट मतलब अच्छे से कर पाऊँगी कि नहीं, घर अच्छा ना होना तो फिर दीपावली मज़ा नहीं आता, तो थकावट तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन एक बहुत मन में निश्चिंतता था कि जो मैंने सोचा वो सारा किया। तो देखिए ये गली में सभी पटाखे वगैरह जला रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही खुशनुमा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब जाऊंगी और वहां जाकर के पूरी तलूंगी और सबको डिनर कराऊंगी, तो लेकिन उससे पहले जा रही हूं मैं भी थोड़ा सा पटाखा जला लेती हूं।
तो हमने हल्का शगुन कर लिया और 11 o'clock हो रहे, तो अब हो चुका है डिनर का टाइम, सबको भूख लग गई है। और अब मैं यहाँ पे पूड़ी बनाने लगी हूँ, आ गई हूँ किचन में और पूड़ी बनाने लग रही हूँ। और हमने चेंज कर लिया है ड्रेस को, चूँकि आग के नीचे थोड़ा सा ना उस तरह का ड्रेस पहन करके मुझे कम्फर्टेबल नहीं लगता है, इसलिए चेंज कर लिया। और ये देखिए यहाँ पर मेरी पूड़ी बन रही है। तो बस अब हम लोग डिनर करेंगे, डिनर को इंजॉय कर रहे हैं। और आप लोगों ने कैसे मनाया मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। कमेंट करने के बाद मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट जो आते हैं उससे मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो हमारा जो शिफ्टिंग ब्लॉग था वो करीब 5-6 एपिसोड में ख़त्म हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर चेक करिएगा। आई होप कि मेरा जो 4-5 दिनों का जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, वो आपको अच्छा लगा होगा। तो गुड़गांव से अमृतसर आना थोड़ा सा मेरे लिए टफ था, लेकिन यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, चूँकि घर सेट हो चुका है, अब रूटीन में आ जाऊँगी मंडे से, तो थोड़ा सा मन में एक निश्चिंतता सी हो गई है। और यहाँ पे अब जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे पूड़ी बना रही हूँ, उसके बाद बच्चों को भूख लगी है, सबको डिनर कराती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यहीं पे मैं अपने वीडियो को इन करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कल का वीडियो भी बना रही हूँ तो मेरे वीडियो में बने रहें, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।